हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मां संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जीवाणुओं द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनको कैसे याद किया जाए। भूल जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद करने का सीधा एक तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो एक ट्रिक है इसकी, टिंकू सिडी में बनी है पटाखा। टिंकू सिडी में बनी है पटाखा, टी से हो जाएगा आपका, हो जाएगा टिटनेस, जिसे धनुष टंका रोग भी कहा जाता है, जिसे टीबी कहा जाता है, जिसे क्षय रोग या तपेदिक भी कहा जाता है। को से हो जाएगा टिंकू था, तो ये हो जाएगा कुष्ठ रोग या कोढ़ हो जाएगा। सी से हो जाएगा सिफिलिस या जिसे फिरंग रोग कहा जाता है। अगर बात की जाए डी से क्या हो जाएगा, डिफ्थीरिया हो जाएगा। और एन ए से क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस हो जाएगा। ठीक, बा से क्या हो जाएगा, बॉटुलिज्म जिसे भोजन विषाक्तता कहा जाता है। ठीक, नी से निमोनिया हो जाएगा। है से हैजा हो जाएगा। है से क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। पा से प्लेग हो जाता है, जो चूहे से फैलता है। टा से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या थी दोस्तों, इसके लिए ट्रिक थी आपकी जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग जो होते, इसके लिए ट्रिक थी टिंकू सिडी में बनी है पटाखा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, थैंक यू।